शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में तथा उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री अनिल फिरोजिया की अध्यक्षता में 18 दिसंबर शुक्रवार की शाम को विक्रम कीर्ति मंदिर में उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित द्वारा विज्ञापन फिल्म एवं सांची घी के नए मेटेलिक पैकेट्स का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेरणादायी एवं उत्साहवर्धक विचार व्यक्त करते हुए कहा कि दुग्ध संघ द्वारा आय बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर इसकी बेहतर मार्केटिंग की जाएगी। दुग्ध संघ के पदाधिकारियों से कहा है कि विश्वविद्यालयों में दुग्ध संघ से संबंधित छात्रों को डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ कराया जाएगा। इस संबंध में अपने सभी प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर यादव ने दुग्ध संघ द्वारा सांची घी के नए मेटेलिक पैकेट्स की शुरुआत करने पर मंगल कामना देते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इस क्षेत्र में वर्तमान में मछली पालन एवं दुग्ध उत्पादन में बहुत कुछ कार्य करना शेष है। कार्यक्रम में सांसद श्री अनिल फिरोजिया ने अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित की स्थापना 1976 में हुई थी। सांची दूध एवं दूध से बनाए जा रहे अन्य उत्पादन की प्रमाणिकता शुद्ध है। उन्होंने कहा कि सांची दूध एवं उनके अन्य प्रोडक्ट का व्यापक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्पादों की मार्केटिंग बेहतर तरीके से की जाए ताकि देश में सांची प्रोडक्ट का नाम हो सके। मार्केटिंग हेतु प्रचार प्रसार के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, नजदीकी के एयरपोर्ट आदि पर बोर्ड लगाए जाए ताकि व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। सांसद श्री अनिल फिरोजिया ने कहा कि ग्राहकों को बढ़ाएं ताकि सांची प्रोडक्ट का व्यापक फैलाव हो सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से जितना काम ले सके वे सदैव मदद करने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर अतिथियों के द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप दीपन किया गया। कन्याओं के द्वारा सामूहिक सरस्वती वंदना प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में स्वागत भाषण उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र शर्मा ने दिया। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत दूध संघ के सीईओ डॉक्टर बी के साहू, श्री अब्दुल हफीज, श्री सतीश शर्मा, श्री मयूर शाह आदि ने माला पहनाकर किया। कार्यक्रम में दूध संघ के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह बन्ना, उपाध्यक्ष श्री मनोहर पाटीदार, संचालक द्वैत श्री तेज बहादुर शक्तावन और महिपाल सिंह चौहान आदि उपस्थित थे। थोड़ा नीचे करना। आज सांची दुग्ध संघ के द्वारा उनका नया जो पैकिंग है उस वेफर का आज उन्होंने यहाँ पे शुभारंभ करा नया। दूसरा उन्होंने एक अपना विज्ञापन, बहुत खूबसूरत विज्ञापन बनाया है जिसको भी लॉन्च करा है। उसी कार्यक्रम में आज हम आए थे और आज 21वीं सदी में तो एक मानसिकता बन चुकी है लोगों की कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आज दो संघ को मेरा यही सुझाव है कि आपने जो मार्केटिंग के लिए विज्ञापन बनाया उसके लिए तो बहुत बहुत साधुवाद। इसके साथ इनकी शुद्धता बहुत है और आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में शुद्ध और अशुद्ध का युद्ध चलाया जा रहा है और जो भी अशुद्ध वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और सांची का ये गोल्डन चांस है सांची दुग्ध संघ के लिए इसको हाईलाइट होने का, क्योंकि जैसा कि हमारे कैबिनेट मंत्री कह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दूध मिलावटी दूध से हमारे महामा महाकाल का शिवलिंग क्षीण हो रहा। इनकी शुद्धता सांची की बहुत बढ़िया है। इनको वहाँ पर अपना एक रिटेल काउंटर खोलना चाहिए, ग्राहकों को बताऊँ दर्शनार्थियों को बताना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि जो बाबा महाकाल का प्रसाद है उसमें जो उपयोग में शुद्ध घी हो रहा ले रहे हैं उपयोग में ले रहे हैं वो सांची का ही दिया जा रहा है। इससे इनकी और गिराकी या इनके और उपभोक्ता बढ़ेंगे तो इसे कर करके इनको नए नए आइडियाज़ लाना पड़ेंगे, मार्केटिंग करना पड़ेगी जिससे कि ये दूध संघ और आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सपना है कि किसानों की आय को दुगना करना है, क्योंकि दूध संघ से हमारे किसान भी बहुत जुड़े हुए हैं तो उनकी आय, छोटे छोटे किसान हैं जो भूमिहीन है तो उनको उनकी भी आय बढ़ेगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी मांग करूंगा कि हमारे सांची दुग्ध संघ को 5 रुपये की सब्सिडी देना चाहिए, जो दूसरे राज्य हर उनके अपने दूध संघ को वो सब्सिडी देते हैं 5 रुपये प्रति लीटर की, वो वैसे ही हमारे दूध संघ के को भी देना चाहिए ताकि किसानों को एक राहत मिलने का काम होगा। यही मेरा इन्होंने आपसे सहायता भी मांगी है कुछ
हम दिल्ली गए थे माननीय हमारे केंद्रीय पशुपालन मंत्री से, और उनसे हमने मांग रखी है कि हमारे को हमारे यहाँ दूध क्षमता तो बहुत है, और दूध का पाउडर बनाने का एक नया प्लांट हमको उसमें मदद करें, हमको सहायता दे ताकि हम एक यहाँ पे प्लांट खोल सके, जिससे कि हमारा पाउडर हमको दूसरों से बनवाना पड़ता है, जहाँ पे लगभग 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार आता है, वो 1 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिससे हमारे किसानों को वो पैसा बटे। सांची अपनी गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और ऐसे में इनने एक तरीका भी लगाया हुआ है कि हर समय बाद इनके विज्ञापन संबंधित जो बाहर का रेपर रहता है उसको बदल लेते हैं, ताकि कोई उसको कॉपी नहीं करते। आज के अवसर पर एक नया प्रकार का अपना डिजाइन सबके सामने प्रस्तुत किया है। मैं बधाई देना चाहूँगा अध्यक्ष माननीय बन्ना साहब को और पूरे संचालक मंडल को, सभी लोगों को। मैं माननीय सांसद सिसोदिया जी के साथ आज दूरदर्शन कार्यक्रम में आया हूँ, लेकिन मुझे इसके दो तीन प्रकार के और आइडिया आए हैं कि आने वाले समय में दुग्ध संघ को अपने दुग्ध में जैविक दूध का जो कार्ड है उस पर भी बात कर सकते हैं। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या हमारे उज्जैन संभाग में इस बात की है कि जैविक दूध का उत्पादन बहुत सहजता के साथ होता है, लेकिन क्वालिटी अभी संभालने के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उसी प्रकार से पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए वेटनरी का कोर्स चलाने के लिए मैंने अपने विक्रम विश्वविद्यालय में भी बोला है कि पशुपालन करने के आजकल बहुत आधुनिक तरीके हो गए और बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना भी है, तो एक तरह से उसमें भी आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से चूँकि बाबा महाकाल की नगरी है, महादेव की नगरी है, तो महादेव की नगरी होने के कारण से हमारे यहाँ पंचामृत में दूध का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि दूध की क्वालिटी के कारण से क्षरण होता है, तो ऐसे में गुणवत्ता के मामले में सांची का कोई मुकाबला नहीं, तो सांची वाले वहाँ अपना BMC चालू करें या कुछ अच्छा करें, तो मुझे लगता है कि वहाँ के अलावा भी और अपने बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी अपनी मार्केटिंग करें, हम सब प्रकार की मदद करेंगे, क्योंकि उज्जैन दुग्ध का एक तरह से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा गढ़ भी है। मेरी अपनी ओर से एक विज्ञापन का प्रकाशन भी में प्रदर्शन किया गया है, अच्छा विज्ञापन हो, मार्केटिंग हो, अच्छा मार्केटिंग बने, और दुग्ध के माध्यम से काफ़ी लोगों को रोजगार के लिए शुभकामनाएं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से राज जोशी की रिपोर्ट।